जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आठवें पे कमीशन की इंटरनल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जानना ज़रूरी है और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी और पेंशन में कितना हाइक होने वाला है एज पर द पे लेवल, पे मैट्रिक्स के हिसाब से पे लेवल 1 से 18 तक, और आपको क्या फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, इस सब के ऊपर एक इंटरनल रिपोर्ट जो कि आपके सामने है। तो आप यहां देखेंगे कि 8th पे कमीशन, एवरीथिंग यू नीड टू नो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, पेंशनर्स हैं, वो सारे 8वें वेतन आयोग के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग में ना सिर्फ आपकी पे पेंशन अलाउंसेस में ही रिवीजन होना है बल्कि जितनी भी आपकी पे पेंशन एंड अलाउंसेस में डिस्पेरिटी चल रही है, असमानता चल रही है, वो भी दूर होंगे और मुद्रा स्फीति से निपटने में भी सहायता मिलेगी। और दूसरा देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का एक ओवरव्यू देखिए किस तरीके से इस पे काम, इंटरनल रिपोर्ट क्यों कहा गया। देखिए, ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इन द ईयर 2023 कहा गया है कि ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है, कमीशन अनाउंस्ड ये 2024 में अनाउंस होना है और इम्प्लीमेंटेशन ईयर 2026 है। आपका कमीशन की जो कैटेगरी है वो फाइनेंस और इससे किसके लिए है, वो एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उसी के बाद वही पे कमीशन के हिसाब से फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए भी वो लागू होता है, ये है उसके बेनिफिशियरीज। और अब पुराने पे कमीशनों के हिसाब से कुछ टैली करके देखते हैं तो जो कि इस तरीके से है, पे कमीशन की एक हिस्ट्री अब तक की जो किस तरीके से है। 4th पे कमीशन पर जो आपकी हाइक हुई थी पे, वो 27.6% हुई थी और उस समय आपकी मिनिमम बेसिक जो थी वो 750 रुपये थी और अब ये अगले पे कमीशन में 5वें में 31% बढ़ी और आपकी मिनिमम बेसिक पे 2550 रुपये, जबकि 6ठे वेतन आयोग के टाइम पर आपकी वृद्धि हुई थी 54% और ये हुई थी 1.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। और 7th पे कमीशन में ये आपकी वृद्धि हुई मात्र 14.29%, जो कि सारे प्रीवियस पे कमीशनों से बहुत ही कम है और ये फिटमेंट फैक्टर लगा था आपका 2.57, जहां पर बेसिक पे आपकी रखी गई थी मिनिमम 18,000 रुपये। अब जो 8वां वेतन आयोग आपका आने वाला है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड आपकी हाइक है वो 20% है, यानी 20% की हाइक का अनुमान है और फिटमेंट फैक्टर आपके लिए होगा 3। इस तरीके से आपकी मिनिमम जो बेसिक पे बनेगी पे लेवल 1 के लिए वो बनेगी 21,600 रुपये। इस तरीके से ये एक इसका ओवरव्यू है पुरानों से जब आपने कंपैरिजन किया। अब आप आगे देखें कि आपकी एक्सपेक्टेड जो मिनिमम बेसिक पे टेबल के हिसाब से, यानी पे मैट्रिक्स पे लेवल 1 से लेकर 18 तक, वो किस तरीके से, यहाँ आपके सामने एक उसकी झलक मैक्सिमम और मिनिमम जो होने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल 1 जैसा कि आपके सामने, ये 7th CPC का है और ये 8th CPC के लिए, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है ये देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस आ रहा है आपका 3,600 का मिनिमम जो आपका डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से आप पे लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सारे पे लेवलों के हिसाब से आप इसको देखते चलें तो ये जो आपका लास्ट में पे लेवल 18 है जो कि 3 लाख पर है, पहले 2.5 लाख पर थी, जो मैक्सिमम आपका हाइक है वो 50,000 का है दोस्तों।
तो ये एक पे मैट्रिक्स पे लेवल के हिसाब से आकलन पर दिखाया आपका। अब देखिए दोस्तों, आठवें वेतन आयोग लगने के बाद क्या बेनिफिट होने वाले हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट। पहला, एट्थ पे कमीशन विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द मिनिमम सैलरी, आपकी इंक्रीज होगी। इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो ड्यू टू इंक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जब कुछ सैलरी बढ़ेगी तो उनकी मार्केट में परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। जब वो परचेसिंग पावर ज़्यादा बढ़ेगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा निकलेगा, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। बेटर लाइफ स्टाइल कैन बी अफोर्डेड बाई द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की एक जो लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका है, वो बेटर होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कैन बी कॉप्ड इजीली बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय। रिटायर्ड एम्प्लॉय की जब पेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो जो मुद्रास्फीति है वो उसके साथ आसानी से कॉप अप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट एज ऑफ द एम्प्लॉय विल बी डिक्रीज्ड, एम्प्लॉय की रिटायरमेंट एज डिक्रीज होने की बात की गई है। विद इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आराम से आसानी से उनकी जो जीवन यापन है, जो डे टू डे लाइफ का है, वो आसानी से उसको मेट आउट कर सकते हैं, यानी आसानी से वो उनका मैच कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब कोई पे कमीशन नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि पे कमीशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सेवेंथ पे कमीशन में डॉक्टर एक्रोइड फार्मूला के हिसाब से रिवीजन की बात कही गई थी। तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें आधारहीन हैं, क्योंकि डॉक्टर एक्रोइड जो फार्मूला था वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट किया होता तो अब तक आपकी कई बार पे रिवाइज हो चुकी होती, पे पेंशन और अलाउंसेस। इसलिए आठवां वेतन आयोग आना आवश्यक है और जिसका गठन 2024 में होना है। हो सकता है कि ये जो 4-5 दिन का समय बचा है, कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन आ रहा है उसकी जो आचार संहिता लागू होने का, उससे पहले डिक्लेयर हो जाए। वैसे 2024 में डिक्लेयर होना है और 1 जनवरी 2026 से इसको इम्प्लीमेंट होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एट्थ पे कमीशन के आने और न आने के संबंध में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।